हेलो क्लास, दिस इज़ योर मैथ सेशन. एवरीवन टेक आउट योर बुक न्यू लर्निंग कॉम्पोजाइट मैथमेटिक्स एंड टेक आउट पेज नंबर 106. क्लास, एज यू ऑल नो, हम इससे प्रीवियस क्लास में अपना डिवीजन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और मैं अब आपको जो चैप्टर करवा रही हूँ दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस 8B. सेल्फ प्रैक्टिस 8B में मैंने आपको डिवीजन के सम्स करवाए थे, डिवीजन बाय 2 एंड डिवीजन बाय 3, यानी ऐसे सम जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं और ऐसे सम जो 3 नंबर से डिवाइड होते हैं, राइट. और आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अपना पेज नंबर 106 से डिवीजन बाय 4 एंड डिवीजन बाय 5 के सम्स करेंगे क्लास. तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. देखिए, यहाँ पे मैंने टेबल्स लिखे हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. 2 to 10 टेबल हैं यहाँ पर और आज हम जो टेबल के सम्स करने जा रहे हैं वो हैं 4 and 5. आपको जैसे पहले बताया गया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है, जब हम उसके ऑर्डर को, उसके क्रम को उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो वो डिवीजन हो जाता है. जैसे कि 1 into 4, 1 4 4 होता है और जब हम 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4. जैसे 4 को हमने यहाँ अंदर लिखा एंड इस 4 को बाहर, 4 का टेबल हम वहाँ तक रीड करते हैं जहाँ पर 4 आए, तो आप मालूम है आपको कि 4 1 ही 4 होता है, इसलिए 4 1 4 और यही 1 हमारा आंसर है. इस तरह से हमने दोनों बॉक्सेस को फिल कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 3 into 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी हमें 3 का टेबल 4 तक रीड करना है. 3 4 12 होते हैं. अब हम इसे इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को उल्टा करेंगे और वो डिवीजन बन जाएगा. सबसे पहले, सबसे जो लास्ट में डिजिट आया है वो सबसे पहले आ गया 12 को हमने, ये किसका साइन है, क्या किया है, 12 को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर 4 से. तो जब, अब आप 12 को 4 से जब आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 12 यहाँ अंदर लिखा है एंड 4 यहाँ बाहर. 4 का टेबल हमें वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 12 आएगा. 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12. तो हम लिख देंगे 4 3 12. तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये आंसर हमारा 3 आया और 4 12 4 एंड 3, इसका इन्वर्स ऑर्डर हो गया 12 4 3. नेक्स्ट हम देखिए, 5 का टेबल हमें कहाँ तक रीड करना है, 4 तक, या 4 का टेबल 5 तक रीड कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा. 5 4 4 होते हैं 20. अब हम इसे इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4. जब 20 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ डिवाइड करके मैंने बताया है 4 का टेबल वहाँ तक रीड करना है बच्चों जहाँ तक 20 आए. तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20. तो हमने लिख दिया 4 5 20. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 5 और ये इसका इन्वर्स ऑर्डर है. ये सब मैंने सॉल्व किया है, ये सब मैं आपको फिर से एक बार सॉल्व करके बताती हूँ. क्या लिखा है यहाँ, 6 into 4, यानी 6 का टेबल 4 तक रीड करो. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, राइट. अब हमने यहाँ इसको इन्वर्स ऑर्डर में करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट को डिवीजन फैक्ट बना देंगे. 24 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है. तो हमने देखो यहाँ 24 को अंदर लिखा, 4 को बाहर. अब 4 का टेबल वहाँ तक रीड करो बच्चों जहाँ तक 24 आता है. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24. तो 4 6 क्योंकि 4 के टेबल में 6 नंबर पे 24 आता है, 4 6 24. तो यही 6 हमारा हम यहाँ लिखेंगे और यही हमारा आंसर है. एक सम मैं और बताती हूँ, यहाँ देखिए 7 को आपको 4 तक, 7 का टेबल 4 तक रीड करना है या 4 का टेबल 7 तक रीड करना है. ओके, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 24 एंड 7 4 28. वी विल राइट 28. अब इसको इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4. तो 28 हमने यहाँ अंदर लिखा एंड 4 को यहाँ बाहर लिखा. 4 का टेबल आप वहाँ तक रीड करोगे बच्चों जहाँ तक 28 नहीं आता है. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24. सॉरी 28 तक रीड करना है, 4 6 24, 4 7 28. तो 4 7 28, राइट. तो क्या आंसर आया हमारा, 7. यानी 28 को जब आप 4 ग्रुप में डिवाइड करते हो तो आपके पास 7 7 चीज़ आएंगी एक ग्रुप में. ओके, रिमेनिंग 3 सम्स आप अपने आप कर सकते हैं. 4 का टेबल आप रीड करके पहले मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर निकालेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे एंड डिवीजन सम आप अपने करेंगे. नाउ डिवीजन बाय 5. अब हम डिवीजन बाय 5 वाले सम्स करेंगे. यहाँ पर आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और सेम ऊपर वाले टेबल की तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में डिवीजन करना है. ओके, अब देखिए बच्चों,
वन फाइव ज़ा क्या होता है, फाइव। तो अब हम इसे उल्टा करके लिखते हैं, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव के टेबल में वन नंबर पर ही फाइव आता है, तो फाइव वन ज़ा फाइव। ओके, नेक्स्ट सम देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, फाइव का टेबल थ्री तक रीड करेंगे, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, राइट। अब हम इसे उल्टा करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी 15 को 5 से डिवाइड किया तो 15 का टेबल आप वहाँ तक क्रिएट करना है जहाँ तक 5 का टेबल सॉरी वहाँ तक क्रिएट करना है जहाँ तक आपके पास 15 नंबर ना आए। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 थ्री ज़ा 15। ओके, तो यही हमारा आंसर है, 5 थ्री ज़ा 15, राइट। तो देखिए ये, अब ये जब हमने सम सॉल्व किया तो ये इसका इन्वर्स ऑर्डर हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3, राइट। नाउ लुक एट दिस सम, अब हम ये वाला सम करते हैं, 5 का टेबल आपको 2 तक रीड करना है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम टेबल्स को रीड करके यहाँ लिख रहे हैं। ओके, अब हम इसे 10 डिवाइडेड बाई जब 5 करते हैं, यानी हमने 10 को अंदर रखा एंड 5 को बाहर, 5 का टेबल आप वहाँ तक रीड करोगे बच्चों जहाँ तक 10 नहीं आएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो हम लिखेंगे 5 2 10, तो हमारा आंसर ये होता है जो ऊपर आता है। ओके, दिस इज 2, दिस 2 इज आवर आंसर, गॉट इट। चलिए एक और सम मैं आपको बताती हूँ, 5 का टेबल आपको 4 तक रीड करना है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, राइट। अब 20 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ 20 को अंदर रखेंगे एंड 5 को बाहर, 5 का टेबल वहाँ तक आप रीड करेंगे जब तक 20 नहीं आए, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फोर ज़ा 20, तो हम ये 4 यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे, राइट। तो देखिए क्लास, आज का आपका ये जो होमवर्क है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ये एक छोटा सा ही मैं वन पेज वर्क सिर्फ बुक में करने के लिए दे रही हूँ, डिवीजन बाय 4 एंड डिवीजन बाय 5, रिमेनिंग सम्स आप अपने आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऊपर, सेम उसी मेथड से आपको ये वाले सम सॉल्व करने हैं, और ये वर्क आपको सिर्फ आज की डेट में अपनी बुक्स में ही करना है, डिवीजन बाय 4 एंड डिवीजन बाय 5। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।